वेस्टइंडीज के हाथों मिले पहले टी20 में हार को भुलाकर भारतीय टीम दूसरे टी20 में जीत दर्ज करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। लेकिन दूसरे टी20 से पहले मौसम को लेकर जो भविष्यवाणी की गई है उसे सुनकर फैंस के साथ साथ टीम मैनेजमेंट भी कुछ अधिक खुश होते नजर नहीं आने वाले। ऐसे में क्यों भविष्यवाणी से होगी निराशा और दूसरे टेस्ट मैच के लिए कैसा रहेगा पिच का मिजाज और टीमों की प्लेइंग 11 बताएंगे दूसरे टी20 से जुड़ा हर एक अपडेट आपको इस वीडियो में, तो जानने के लिए अंत तक बने रहे हमारे साथ। गौरतलब हो कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत बीते दिनों ब्रेन लारा स्टेडियम पर खेलकर हो चुकी है, जिसमें वेस्टइंडीज ने भारत को चारों खाने चित कर जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल कर ली है और इसी के साथ वेस्टइंडीज ने 5 मैच के सीरीज में 1-0 से बढ़त भी हासिल कर ली है। ऐसे में सीरीज का दूसरा मुकाबला रविवार यानी 6 अगस्त को प्रोविडेंस स्टेडियम में भारत के समय अनुसार शाम के 8 बजे से खेला जाना तय है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तय समय में यह मुकाबला शुरू हो पाएगा? जवाब है नहीं। आखिर क्यों? इसका जवाब भी बिल्कुल साफ है, क्योंकि अभी तक जो इनपुट मिलकर बाहर आए हैं वो उनके मुताबिक वेस्टइंडीज के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जोरों की बारिश हो सकती है, जिसके कारण मैच में बाधा उत्पन्न हो सकती है और मुकाबले को डिले भी किया जा सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि यही वो कारण है जिसको भारतीय फैंस लेकर टीम मैनेजमेंट तक निराश नजर आ रहे हैं और इस मुकाबले को पूरा होने तक बारिश न हो इसलिए भगवान के सामने हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं ताकि मुकाबला पूरा खेला जा सके, ताकि भारत को सीरीज जीतने में कोई तकलीफ न हो। ऐसे में आपको बता दें कि अगर यह मुकाबला बारिश में धुल जाता है तो उस स्थिति में सीरीज के बस 3 मैच और बचेंगे, जिनको जीतकर ही भारत इस सीरीज को जीत पाने में कामयाब हो पाएगी। और कहीं बचे 3 में से 1 मैच भी अगर वेस्टइंडीज जीत जाएगी तो इस सीरीज का नतीजा टाई हो जाएगा और भारतीय टीम को निराशा हाथ लगेगी। मौसम की बात करें पिच की, तो इस मैदान का पिच पहले इगोंग के दौरान बल्लेबाजी की मदद करता नजर आएगा, वहीं दूसरे इनिंग में गेंदबाजी आसान नजर आएगी, जिसका फायदा उठाते हुए दोनों ही टीमें दिखेंगी और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय करती नजर आएंगी। ऐसे में आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए इस पिच का एवरेज स्कोर 150 से 190 तक है, वहीं जीत परसेंटाइल भी यही डराते हैं कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम अधिक मैच में जीत दर्ज करने में सफल रही है। ऐसे में यह कहना कि जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी वो तभी मजाते नजर आएगी और गेंदबाजों पर जमकर बरसेगी। ऐसे में मौसम और पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें तो प्लेइंग 11 की भारत की तरफ से बल्लेबाजी में बदलाव होता नजर आ सकता है और ईशान के साथ जायसवाल को ओपनिंग करने का मौका दिया जा सकता है और शुभमन गिल को इस मैच में रेस्ट मिल सकता है। वहीं तीसरे पर सूर्य कुमार यादव को मौका दिया जाएगा और जिसके बाद चौथे नंबर पर हमें एक बार फिर से तिलक वर्मा बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। वहीं 5वें स्थान पर संजू सैमसन को मौका दिया जाएगा, जबकि 6वें स्थान पर ऑलराउंडर की भूमिका शुरू हो जाएगी, जिसको लीड करते हुए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या नजर आने वाले हैं। जिसके बाद 7वें स्थान पर अक्षर पटेल को मौका दिया जाएगा, जिसके बाद भारतीय गेंदबाजों की बारी आ जाएगी और सबसे पहले अर्शदीप सिंह को मौका दिया जाएगा। वहीं उनके नंबर भी चौड़ीदार को बदला जा सकता है और पिछले मुकाबले में कुछ गलतियां करने वाले मुकेश कुमार की जगह भारतीय कप्तान इस मुकाबले में आवेश खान को मौका देते नजर आएंगे। वहीं स्पिन गेंदबाजों की कमान हमें एक बार फिर से कुलचा के कंधों पर नजर आने वाली है। ऐसे में वेस्टइंडीज की टीम से भी हम जबकि गेंदबाजी में हमें एक बार फिर से होल्डर के साथ सेफर्ट की जोड़ी बल्लेबाजी को पवेलियन का रास्ता नपवाते दिख सकती है। ऐसे में यह तो तय है कि भारतीय टीम इस मैच के दौरान वेस्टइंडीज को हल्के नहीं लेगी और उनके हर सवाल के जवाब की तैयारी करके ही मैदान पर उतरेगी। ऐसे में मैदान पर जो भी हो आपको मैच का पूरा आनंद जियो सिनेमा और फैन कोर्ट के साथ डीडी स्पोर्ट्स बिल्कुल भी फ्री में देते नजर आने वाली है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।